वहीं धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया में जेल में बंद देशभक्त विशाल को इंसाफ दिलाने के लिए बाइक रैली निकाली गई। सांसद नायब सैनी और विधायक सुभाष सुधा को ज्ञापन भी सौंपा गया। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि जल्द ही विशाल रिहा होगा। और आपको बता दें कि बाइक रैली निकालने के बाद सांसद नायब सैनी और विधायक सुभाष सुधा को ज्ञापन भी दिया गया, जिसमें पूरे प्रकरण की जानकारी के अलावा विशाल की जल्द रिहाई की मांग की गई, जिस पर मीडिया से बातचीत में विधायक सुभाष सुधा ने आश्वासन दिया है। अनिल वीर जी हरियाणा प्रदेश के होम मिनिस्टर हैं और होम मिनिस्टर सेंट्रल होम मिनिस्टर से आगे अमित शाह से ही बात कर सकते हैं। हमारा फर्ज है पहले प्रदेश सरकार को बताना कि हमारे यहाँ का बच्चा है, हमारा अपना बच्चा है, उसके बाद हमारी गवर्नमेंट, हमारे होम मिनिस्टर जी, हमारे मुख्यमंत्री जी सेंट्रल गवर्नमेंट से बात कर सकते हैं। तो ये बातें जो करने वाले हैं इनको समझाना चाहिए। आपको नॉलेज नहीं है, ये हमें नॉलेज नहीं सिखाएंगे, नॉलेज हम सिखाएंगे कल को, है हमें सब पता होता है किस प्रकार से कार्य होते हैं। और आदरणीय भाई नायब सिंह सैनी जी, भाई संजय भाटिया जी, दोनों एमपी मैं कहूंगा एक दिन रात सुन रहे किस प्रकार से मास्टर से बात कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। हो सकता है मंडे ट्यूसडे को हम लोग सब इकट्ठे होके सेंट्रल गवर्नमेंट में हम जाके आदरणीय प्रधानमंत्री से भी जानने के मिले इस बच्चे के लिए। 21 तारीख को जो हमने करनाल में एक सर्व जातीय न्याय जो मार्च हमने निकाली है, तो कुरुक्षेत्र से भी सभी जातियों के लोग वहाँ पहुँच कर और इस मुहिम में सब साथ दें। और मैं एमपी साहब का, विधायक साहब का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने पूरा आश्वस्त किया है। और पिछले हफ्ते हमने करनाल से सांसद संजय भाटिया जी को भी ज्ञापन सौंपा था, उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया था कि इसमें पूरी पूरी कार्रवाई होगी और जो हमारा भाई एक देशभक्त विशाल जो ऑस्ट्रेलिया में जेल में है उसको बाहर निकालने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।